नमस्ते व्यूवर्स, एक टिश्यू पेपर लेना है और इसको ऐसे फोल्ड करके रखना है और यहाँ से हम आधा आधा इंच छोड़ेंगे टिश्यू पेपर को ऐसे, क्योंकि कुर्ती के में बीच में कट आएगा तो इसीलिए यहाँ पे आधा आधा इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है। और गले की चौड़ाई में 3 इंच रख रही हूँ और डीप 4.5 ले रही हूँ। और फिर इसका हम बॉक्स बना लेंगे। और फिर इसमें से गोलाई दे देंगे। ये गला छोटा सा बहुत राउंड शेप में बहुत सुंदर गला बनेगा ये। और ये 1 इंच चौड़ी पट्टी कट करना है बाहर वाली, और इसको कट कर लेना है। फिर अंदर से कट कर लेंगे। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। और इसको हम कपड़े पे चिपका लेंगे और फिर आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए हम कट कर लेंगे। और फिर इसको ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है और फिर ये बीच में ऐसे बीचों बीच कट लगाना है। और कुर्ती का पार्ट लेना है और इसके भी ऐसे बीचों बीच हम कट लगा लेंगे। और इसको मैंने आधा आधा इंच मतलब 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है दोनों साइड से, तो ऐसे ज़्यादा लेना है जितना भी हमारा कंधा हो उससे ज़्यादा लेना है। और इस पर हमें कमर का निशान लगाना है, जितना भी कमर का निशान आ रहा है 13 या 14 15 तो उसी पे निशान लगाना है, उतने तक हमें कट करना है। मैंने कमर का निशान लगाया है यहाँ पे। और इसको ऐसे खोल के रखना है। आप पहले भी इसको जॉइंट कर सकते हो गले को, और मैं भी अटैच कर रही हूँ तो ध्यान से करना है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और अभी हम इसको कट कर लेंगे आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए, फिर इसमें कट लगा देंगे। और इस पट्टी को हम पलट के नीचे की तरफ कर देंगे। और इस पर हम अभी मैं बड़ी सिलाई करके लगा रही हूँ, बाद में तुरपाई करके निकालूँ। और यहाँ भी इसे हम कट कर लेंगे। और ये कतरन लेना है, इसको ऐसे फोल्ड करके और ऐसे ट्रायंगल बना लेना है, इसे छोटे छोटे ही बनाना है और यहाँ रखना है। और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे इसके पास पास में, इसको टच करते हुए लगाना है ट्रायंगल। जहाँ तक हमने कट लगाया है वहाँ तक ऐसे पूरे में लगा लेना है। और ये मैंने लगा लिया है। और इसको पलट के ये दूसरे वाले पार्ट पे ऐसे रखना है और इस पर सिलाई लगा लेंगे। आगे वाले पार्ट पे ही रखना है इसको पलट के ऐसे। और ध्यान रखना है जहाँ से हमने नीचे से कट किया है वो सिलाई ये कपड़ा बराबर होना चाहिए, तो देख लेना बराबर कर लेना है इसको। और फिर इसको ऐसे खोलना है और इसके ऊपर हम एक सिलाई इसके ऊपर डाल देंगे, ऐसे नीचे तक लगा लेना है। और ये नॉर्मल बटन लिया है मैंने, और ये कपड़े का मैं बटन लगा रही हूँ। आप चाहो तो जैसा पेंट लेगिंग जैसा भी कलर हो उसी कलर में आप लगा सकते हो प्लेन कपड़े का, मैं इसी का लगा रही हूँ। वैसे सिल लेना है बटन को और फिर यहाँ पे रख के और फिर चारों ओर सिल लेना है। मैंने 2-2 इंच के गैप पे लगाए बटन, ऐसे नीचे तक लगा लेना है सारे में। ये देखो बनके रेडी हो गया। पीछे का मैंने 3 इंच रखा है गला। थैंक यू।